दामोट की काठी बोलते इसको। इससे दामोटे की एक शेंग आती है, बहुत ही बकरे खाती है वो, अच्छी लगती है बकरे को। ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़ एक ही है देख लो, और इस पे अभी शेंगा नहीं आया, इस पे आ चुकी है दामोटी की शेंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के इस नए ब्लॉग पर। उम्मीद करता होगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी 12:30 बज गए और सारे जानवरों को मैं लेकर आ चुका हूँ, मेरे दोस्त भी अभी यहाँ पर आ चुके हैं। देखो हमारे जो जानवर है, हमारे दोस्त जानवर जो बहुत अच्छी तरह के चर रहे, और आज भी रोज की जगह पर आ चुके हैं, यानी नए जंगल में आ चुके रोज की तरह ही, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर आज बहुत धूप कड़की गिर रही है, देखो धूप, ये देख लो जो 12:30 बजे का जो माहौल है आज, थोड़ा आसमान नीला भी और माहौल भी बहुत अच्छा है। देख लो 12:30 बजे का पूरा आसमान नीला हो रखा है और अभी सुनसान माहौल है पूरा, ये देख लो सिर्फ इधर थोड़े बादल है, ये देख लो, और यहाँ पर पूरा आसमान नीला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही गर्मी हुई देख लो, और टोपी भी पहनी है गर्मी की वजह से। तो अब चलते छाव के अंदर और वीडियो को आगे बढ़ाते। तो देखो दोस्तों अभी 2 बज गए और हम इधर आ चुके हैं कार्टून से बाहर, थोड़े अभी जानवर इधर कार्टून के अंदर गए थे और सब मेरे दोस्तों ने बाहर ला दिया। देखो ये पर ये अभी जा रहे आगे, देखो दोस्तों और सारी बकरियाँ भी आगे जा चुकी है। दोस्तों हमारे इधर सबसे ज़्यादा देखो दोस्तों ये कार्टून बहुत है, ये देख लो यहाँ पर चारों तरफ कार्टून है। देखो दोस्तों ये बकरी खा रही है क्योंकि बकरी को काटी खाने वाली, ये दोस्तों अलग प्रजाति का है थोड़ा सा। और ये देखो, ये देख लो, ये इस पर देखो, ये थोड़ा अलग प्रजाति का है, ये दोनों में बहुत ही जो है फ़र्क है। ये बहुत बड़े और ये थोड़े छोटे, ये बहुत बड़े होने के कारण इसे बकरियाँ खाती है और ये छोटे होने के कारण इसे बकरियाँ नहीं खाती। आप इसे देख सकते हो पूरा हरा भरा है, ये जो काठी का पेड़ है ये बहुत हरा भरा है, और ये वाला काठी का देखो ये बकरियाँ खाती है, ये पूरा सूखा पड़ा है, ये वाला भी, ये वाला भी देखो। जिसे बकरियाँ नहीं खाती वो पेड़ बहुत ही हरा है, और जो बकरियाँ पेड़ नहीं खाती वो पेड़ सूखा पड़ा है। ऐसा ही होता है क्योंकि एक बात बता देता हूँ, जो भी बकरियाँ मतलब झाड़ या पत्तियाँ खाती है वो पेड़ हमारे इधर थोड़े कम है और उसकी पत्तियाँ भी ज़्यादा नहीं है, और जो बकरियाँ उसे मुँह भी नहीं लगाती है वो पेड़ सबसे ज़्यादा है, और वो बकरियाँ खा भी नहीं सकती क्योंकि बकरियों को पसंद नहीं है। देख लो कितने बड़े बड़े कांटे दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़े बड़े कांटे, बकरियाँ खाती रहती है। धूप भी बहुत कड़क हो रही है, इतने धूप में चराना पड़ता है बकरियों को, इतने धूप में बकरियों को चराना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल का काम है, और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। दोस्तों अभी खेत के पास आ चुके हैं, देखो खेत के दूरी के पास, दामोट की काठी बोलते इसको। इससे दामोटे की एक शेंग आती है, बहुत ही बकरे खाती है वो, अच्छी लगती है बकरी को, दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़ एक ही है देख लो, और इस पे अभी शेंगा नहीं आया, इस पे आ चुकी है दामोटी की शेंग। देख लो अभी आप देख लो पूरा लाइव नज़ारा, आपने देखनी होगी काय रे। तो इस पर देख लो कितने सारे दामोटी की शेंग आ चुकी है, देखो अभी थोड़ी सी जो है कच्ची है यानी कि हरी है अभी, वो जब जब वो पिक जाती है ना यानी कि वो सारी पक जाती है ना तो वो काली पड़ जाती है, तो इस पर अभी आई नहीं क्योंकि इसको ये बहुत बड़ा है ना, इसके कारण ये गर्मियों के मौसम में आता है। और ये अभी ये जो अभी है इस पर आ चुके और गर्मियों के मौसम तक इसमें जो है काली पड़ जाएंगी, इस पर अभी आ चुकी है और गर्मियों के मौसम के बाद इस ये जो शेंग है सारी इस पेड़ की ये काली हो जाएंगी, और उसके बाद गर्मियों के तब गर्मियों के मौसम में फिर इस पे आएगी, और गर्मियों का मौसम जब आधे में होगा तब इसकी जो सारी काली पड़ जाएंगी शेंग। अभी देख लो इसमें सारी तरफ कितने घनी घनी है, देख लो सारे तरफ, देख लो ये देख लो बहुत ही सारे लगी है बकरियाँ जो है दोस्तों, सारी आगे चली गई है, देख लो चारों तरफ काटूने काटूने नदी के जो है पड़ी में आ चुके हैं, और बकरियाँ देख लो वो रही बकरियाँ वहाँ पर, देख लो दोस्तों ये रही बकरियाँ, सारी बकरी यहाँ पर अभी, और कार्टून तो बहुत ही देख लो चारों तरफ कार्टून, देख लो दोस्तों पूरा कार्टून ही कार्टून है, बहुत ही घायल काम है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही बेकार और बहुत ही खतरनाक काम कार्टून के नीचे, यहाँ से जगह भी नहीं मिलती है, देखो रास्ते भी ऐसे छोटे छोटे, देखो एक रास्ता जा रहा है देख लो उधर ऐसा। अभी इधर के खेत में आ चुके हैं ना तो उसके कारण यहाँ पर बहुत सारा कार्टून है जो हमारा हमेशा का झूले वाला है। देखो बकरियाँ सारी हिंगन खा रही है, देखो हिंगन का पेड़ ऊपर देख लो, हिंगन का पेड़ है, बकरियाँ सारी हिंगन खा रही है। हमारे दोस्त बोले थे कि इसके अंदर जाएंगे और नदी के अंदर पानी पिलाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। देखो दोस्तों अभी सारे जानवर नदी पर ला लिए, देखो पानी पी रहे अभी,
शाम के 5:18 हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अभी यहाँ पर बैठे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, अभी के लिए बाय।